नमस्कार, न्यूज आज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। लोगों की परेशानियों को देखते हुए महापौर आलोक शर्मा ने अपने निवास पर भोपाल की चौपाल लगाई। चौपाल के माध्यम से महापौर ने लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। लोगों से संवाद कर अधिकारियों को उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। लोगों के नगर निगम के महीनों चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए महापौर आलोक शर्मा ने अपने निवास पर भोपाल की चौपाल लगाई। चौपाल की सहायता से महापौर आलोक शर्मा ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। महापौर आलोक शर्मा ने लोगों से संवाद कर नगर निगम अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि लोगों की नाली सड़क जैसी समस्याओं का निराकरण 24 घंटे के अंदर नहीं किया जा सकता। नव निर्माण करने के लिए 5 से 6 महीने का समय लगता है, जिसके बावजूद ऐसी समस्याओं का निराकरण जल्द ही कर लिया जाएगा। आज हमने पहला दिन है भोपाल की चौपाल शुरुआत की है। जनता काफ़ी उम्मीद से आई है और उसको उम्मीद है कि हमारी सड़क की, बिजली की, पानी की, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, साफ सफाई की जो समस्या है उसका निराकरण होगा। हम सीधा संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कई ऐसी समस्याएं जो केवल मेरे बोलने मात्र से ही उसका निराकरण हो सकता है, वो 24 घंटे में दूर करने का प्रयास करेंगे। कई ऐसी समस्याएं हैं जो निर्माण से संबंधित हैं, उसमें समय लगेगा, तो हम जनता को भी अवगत कराएंगे। क्योंकि अगर सड़क बनना है, पानी की पाइपलाइन डलना है, तो उसके लिए इस्टीमेट बनेगा, उसका प्रोक्लन बनेगा, उसकी फाइल मूव होगी और उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। पर समय के ऊपर वो काम भी हम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। महापौर आलोक शर्मा की भोपाल की चौपाल में पूर्व विधायक शबनम मौसी भी पहुंची, जिन्होंने उम्मीद जताई कि चौपाल की सहायता से लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। पूर्व विधायक शबनम मौसी ने नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सेवा यात्रा की जगह लोगों की रोजी रोटी और रोजगार की चिंता होनी चाहिए। हाँ, तो मैं आज महापौर निवास आई हूँ। ये जो आज आम चौपाल लगी है, तो सब जनता की समस्या का निराकरण होना है। बहुत सी लोगों की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर गंभीर समस्याएं हैं लोगों की। तो मैं चाहूँगी और ये उम्मीद रखती हूँ महापौर जी से कि महापौर जी इनका सबका निराकरण अच्छे से करेंगे। लेकिन आज जो समय को बिताने की प्रयास किए जा रहे हैं, जनता का मुख्य जो उद्देश्य है, जनता की मुख्य जो सुविधा है, वो रोजी रोजगार है। और युवा वर्ग का आदमी भूखा मर रहा है, रोजी रोजगार से वंचित हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री अपना शोभा यात्रा ना निकाले। शोभा यात्रा तो हमेशा होती ही रहती है। महापौर निवास पर भोपाल की चौपाल हर सोमवार को 8 से 1 बजे तक लगाई जाएगी। भोपाल के पहले दिन महापौर निवास पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिसने महापौर को सीधे अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आगामी दिनों में देखना होगा कि भोपाल की चौपाल जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है और उनकी समस्याओं का निराकरण कहां तक हो पाता है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए न्यूज आज।